हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नट्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ एक पूजा में। सो ये देखिए, मैंने न्यू आज सूट पहना है पूजा के लिए। मैं दिखाती हूँ मेरा पूरा टोटल आउटफिट आपको। ये देखिए, ये रहा मेरा आज का आउटफिट जो मैं पूजा में पहन के जा रही हूँ। बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको मेरा आउटफिट। और इसके साथ इस तरह का प्रिंटेड दुपट्टा है। और तो पूजा में मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल जाने के लिए। और ये देखिए, मैंने किया थोड़ा सा हे गाइस, तो उसके बाद मैं पूजा के बाद मैं चली गई हूँ नायशा के लिए ड्रेस लेने, बिकॉज जो मैं उसके लिए एक फैब्रिक स्टिच कराना चाहती थी तो टेलर ने मना कर दिया स्टिच करने से। उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो नहीं करे, तो अर्जेंटली मुझे फिर नायशा के लिए एक दूसरी ड्रेस देखनी पड़ रही है। और यहाँ मैं ले रही हूँ उसके लिए लहंगा। मैं यहाँ देखने आई हूँ एक शॉप पे, और मुझे पसंद भी आया था बट वो छोटा था नायशू के लिए, साइज़ फिट नहीं था। और ये मैं देख रही हूँ, ये देखिए। यहाँ मुझे लेना पड़ा है नायशा के लिए लहंगा, और बहुत ब्यूटीफुल से लहंगे। बट यू नो प्रॉब्लम नायशा के साथ ये ना, वो बच्चे में आया है ना ही टीनेजर्स में, तो उसके साइज मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए, इसने परेशान कर दिया शॉपिंग कर करके, इसको कोट पैंट नहीं पसंद आ रहे हैं देखिए। बट ये थोड़ा सा और देख लो। और गाइस, मैं अभी आ गई अभी की शॉपिंग के लिए। इसको कहीं भी कोई भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे। इसने मुझे इतना परेशान किया है कपड़ों की शॉपिंग के लिए। फाइनली देखिए, शायद अब ये कुछ ले ले। इसने बहुत सारे सूट ट्रायल किए हैं और इसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो अब चाह रही हूँ कि इसको कुछ पसंद आ जाए। ये एक शॉप है जहाँ पर हम आए हैं, और यहाँ इसने वेयर करके देखा है ये सूट। अब देखो इनको पसंद आता है नहीं। अभी भी इसका फाइनल नहीं है कि क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, बट मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ बिकॉज़ इसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। ये इनका ट्रायल चल रहा है, अब देखो क्या पसंद आता है इसको। और यहाँ नायशा की भाई ट्रायल चल रही है लहंगों की। मैं इसको साथ में लेके आऊँ जिससे मैं एग्जिट इसका फिटिंग का लहंगा ले पाऊँ जो छोटा ना हो। और ये देखिए, यहाँ मैंने कुछ ट्रायल किए हैं, और इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इस साइज़ में बहुत ज़्यादा वैरायटी भी नहीं मिल रही है मुझे, और जो मिल रहा है वो पसंद नहीं आ रहे हैं। मैं नायशा को लेके भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। और ये देखिए, आज हम लोग आए हैं चोखा बाटी की दावत पे, और इस तरह से बन रहा है पूरा चोखा बाटी की तैयारी इधर हो रही है। और ये हुई है बाटी की तैयारी। आज मैं इनवाइटेड हूँ मेरे फ्रेंड के यहाँ, छत पे हो रही है चोखा बाटी की पार्टी। यह देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, अरे यार, अरे ये चल रही है, क्या चल रहा है नायशा? एक्सरसाइज, हाँ थोड़ी तुम एक्सरसाइज करो, जरूरत है। क्या कर रही हो? और अभी बन रही है खीर। यहाँ आ रही है बाटी, सब स्टाफ कर रहा है बाटी। और अभी उसके ऑफिस के स्टाफ के लोग कर रहे हैं डिनर, उसके बाद हम करेंगे फाइनली आराम से बैठ के। यहाँ देखिए, सब लोग अब घर वाले सब बैठ के आराम से डिनर कर रहे हैं। और चोखा बाटी बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनी थी, और गरम गरम खाने का तो अपना ही मज़ा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था यहाँ पे डिनर पे। और ये अचानक से प्रोग्राम बना था और उसने हमें बुलाया
कि आप लोग फ्रेंड आए, तो उसके कुछ स्टाफ थे और हम लोग थे, फ्रेंड सर्कल था। और ये देखिए यहाँ हो रही है डांस करने की तैयारी। सो ये देखिए म्यूज़िक लगने वाला है और ये है उसका छोटा सा एक जिम जो उसने अपने टेरेस एरिया पे बना रखा है और हम यहाँ उसी का ही मज़े ले रहे हैं। हे गाइस, ये देखिए विंटर स्टार्ट हो गया है और मैं और नायशा के लिए ये वुलन वाले सेट लेके आई हूँ। एक नायशा का, एक मेरा, सेम। थोड़ा मैंने नायशू का बड़ा लिया है बिकॉज बहुत जल्दी कपड़े छोटे हो जाते हैं। और ये मेरा, देखिए कैसा लग रहा है नायशू? बहुत अच्छा, सॉफ्ट नहीं? सॉफ्ट। और ये रहा मेरा, तो हल्की सर्दियों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं इस तरह के, बिल्कुल सॉफ्ट है और मजा आ रही है पहनने में आज। और अभी हम गए थे चोखा बाटी के प्रोग्राम में और वहां से आए। सो मेरी फ्रेंड ने रखा था बाटी चोखा का प्रोग्राम। सो अभी हम जस्ट आए हैं और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और द नेक्स्ट मॉर्निंग, हे गाइस, तो अभी है नेक्स्ट डे और हम आ गए हैं शॉपिंग एज यूजुअल। इस समय आप मुझे सिर्फ और शॉपिंग ब्लॉग देखेंगे मेरे। तो यहाँ पे हो रही है रिसेप्शन की शॉपिंग और ये है भतीजी जिसको वहाँ रिसेप्शन में पहनना है गाउन। सो वो सेलेक्ट कर रही है और मुझे, मेरा इसने बहुत ज़्यादा वेट किया है यहाँ पे। मैं उसके बाद मुझे आना पड़ा शॉप पे बिकॉज शॉप पे भी काम हो रहा है, सीज़न है। सो ये लग रही थी मेहंदी और इनकी है 25th एनिवर्सरी। सो ये देखिए ब्यूटीफुल सी मेहंदी लगाई है मेरे स्टाफ ने और मेकअप हो रहा है, ये देखिए उनका। सो अगर आपको ये मेकअप पूरा देखना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं फुल मेकअप वीडियो डाल दूँगी इनका। और इनकी थी 25th एनिवर्सरी पार्टी और ये है इनका मेकअप लुक, फाइनल मेकअप लुक। और इन्होंने बहुत जल्दी मेकअप करा लिया था। सो मेकअप ख़त्म करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ शॉपिंग के लिए बिकॉज मैं शाम को निकली थी तो मुझे लगा ठंड पड़ेगी शादी में और मैंने एक भी वुलन की शॉपिंग नहीं। सो उसके लिए मैं आ गई थी वी मार्ट और नायशा के लिए मुझे कुछ लेना था वुलन में, इसलिए मैं वी मार्ट में आ गई। बट मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा, उतना ज़्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं था यहाँ पे वी मार्ट में। सो मैं देखूँगी कुछ और, अभी फ़िलहाल अभी कुछ देख रहे हैं अपने लिए। और यहाँ पे कलेक्शन ठीक था बट बच्चों के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या लूँ और मैं देखूंगी बाद में। और अभी मैं आ गई हूँ अपनी एक ड्रेस के ट्रायल के लिए, अभी ये पूरी तरह से ड्रेस बनी नहीं है, उन्होंने ट्रायल के लिए मुझे बुलाया है। सो जब ये बन जाएगी तब मैं तो पूरा आउटफिट आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं आ गई हूँ, इसके बाद मैं गई हूँ, मुझे देना है हस्बैंड को कुछ सरप्राइज़। तो आप बताइएगा मैं क्या प्लान कर रही हूँ उनको सरप्राइज़ के लिए। और ये मैं शॉपिंग के बाद यहाँ पर आई हूँ, कुछ प्लानिंग चल रही है मेरे दिमाग में सरप्राइज़ देने के लिए। सो आप लोग गेस करके बताइएगा कि मैं उनको क्या सरप्राइज़ देने का सोच रही हूँ और कमेंट करिएगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये देख के आपको क्या लग रहा है कि मैं उनको क्या सरप्राइज़ देने वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे शॉप पे काम होने के बाद मैं फिर आ गई हूँ शॉप पे नाशू के लिए कुछ देखने, बिकॉज़
वो बड़ी हो रही है और उसके सारे कपड़े अभी समय विंटर्स के सारे छोटे हो गए हैं। सो मुझे अभी विंटर कलेक्शन उसके लिए लेना है। अभी तक तो मैं सिर्फ उसका फंक्शन, वेडिंग फंक्शन के लिए देख रही थी ड्रेसेस, बट मुझे अब उसके विंटर्स कलेक्शन भी करना है बिकॉज बड़ी हो रही हैं तो उनके पास अभी इस समय कुछ भी नहीं है। और मैं वही देखने आई हूँ और मुझे एक येलो कलर की ड्रेस भी देखनी है उसके लिए फॉर हल्दी फंक्शन। सो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किड्स वेयर में और अभी देखती हूँ मुझे क्या पसंद आता है। और अभी भी अपने लिए सेलेक्ट कर रहा है, कुछ उसको भी लेना है। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ली हैं, आगे आगे आपको पता चलेगा कि हमने क्या लिया है। उसके बाद पेट पूजा तो बनती ही है और हम आ गए हैं शाम की चाय। ये देखिए गरम गरम चाय गुप्ता चाय वाले के यहाँ से। और यहाँ से हम लोग ने लिया है छोले के साथ समोसे मिलते हैं यहाँ के, जो कि बहुत अच्छे बहुत टेस्टी होते हैं। सो यहाँ हमने लिया है समोसे के साथ छोले और गर्मा गर्म चाय। देन फिर हम आ गए हैं नाइशू के लिए हल्दी का कलेक्शन देखने के लिए बिकॉज मुझे वहाँ पसंद नहीं आया था। उसके बाद मैंने चाय और समोसे खाने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और क्योंकि मुझे कुछ हल्दी के लिए और हल्दी के लिए इतने ऑप्शंस भी नहीं आ रहे हैं। सो यहाँ पे इस शॉप पे मुझे हल्दी के लिए एक ये सूट दिखा था जो कि अच्छा लग रहा था, बट मैं कुछ और चाह रही थी और उसके लिए मैं आ गई हूँ दूसरी शॉप पे। और यहाँ मुझे अच्छा लगा है जो मुझे नायशा के लिए लेना है, सो मैं यहाँ देख रही हूँ। और स्पेशल हल्दी के लिए इतने सारे ऑप्शन नहीं है ड्रेस के लिए, तो पर्टिकुलर एक ही एक ड्रेस मिल रही थी और साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये देखिए इतने ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ों में वो ड्रेस दिखा रहे थे, बट मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी नायशा के लिए। थोड़ी मैं लॉन्ग ही ले रही हूँ जिससे वो काफ़ी टाइम तक इसको वेयर कर पाए, हल्दी के बाद भी वो पहन सके। तो ये मुझे ड्रेस अच्छी लगी, आप भी बताइएगा कैसी ड्रेस लग रही है। और उसके बाद मैंने कुछ और देखने के, तो उन्होंने एक सूट भी दिखाया है मुझे, बट वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो तो मेरे लिए है। सो वो कह रहे थे मतलब साइजेस नहीं आते हैं बच्चे के इस एज के लिए, तो या तो बहुत ज़्यादा छोटे साइजेस हैं या बहुत बड़े साइजेस हैं। सो ये एक ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जो उन्होंने नेक्स्ट ड्रेस दिखाई है वो काफ़ी बड़ी थी। और ये देखिए ये नायरा कट सूट है और मुझे लग रहा था कि नायशा के हिसाब से ज़्यादा बड़ा है, सो मैंने मुझे ये फ्रॉक अच्छी लगी है। बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और मेरे व्लॉग देखते रहिए।